Good morning everyone, I am Lakshmi Gopte and you are watching Central Academy YouTube channel. In last video, you have learned about what is political parties, what is the meaning, the different political parties you have learned, state parties, national parties. Okay, so today we discuss about the what is the difference between national parties and political parties. We have seen lot of parties during the time of elections, okay, surrounding your areas, in your city, in the complete India, okay. According to the national division, we have a lot of parties, okay. We have lots of parties in India, okay. So first one, how to difference, how we assess the what is national parties and which one is the state parties. So first one, extent, that means origin kaise hua hai. National parties are political parties which participate in different elections all over India. National parties वो parties होती हैं जो हर एक time पे elections में all over India में वो लोग elections में compete करते हैं. Second is, what is the extent of state parties? Region parties are political parties which participate in different elections but only with one state. Okay, so the major difference. National party work all over the India and regional party or state party only work in a specific region or a state. Okay. Second one is status. It should be strong enough in at least 4 states. Basically, national party वही party होती है जो बहुत strong होती है. Strong means उसने India के at least 4 states में उनका वो लोग power में होते हैं. अब हम आते हैं state party पे. It should be strong enough in at least 1 or 2 states. ये केवल वो parties होती हैं जो है एक या दो state में जो majority में workout करते हैं as a ruling party. Symbol. It has an exclusive symbol throughout the country. अगर हम बात करें national party की, जो party national party से category में आती हैं, उनका एक specific symbol होता है all over the India. जैसे example लेते हैं हम BJP, कमल का फूल है. कांग्रेस हाथ का साइन है, दैट मींस ये वो पार्टी जिनके सिंबल ऑल ओवर इंडिया सेम होते हैं. नेक्स्ट वन, रीजनल पार्टी, अ सिंबल इज रिजर्व फॉर इट इन द स्टेट इन व्हिच इट इज रिकॉग्नाइज्ड बट द सेम सिंबल कैन बी अलॉटेड टू डिफरेंट पार्टीज इन डिफरेंट स्टेट. सबसे मेजर डिफरेंस क्या आता है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं रीजनल पार्टी की या फिर स्टेट पार्टी की, इनका जो सिंबल होता है वो रिजर्व होता है. इसका मतलब अगर पंजाब स्टेट में किसी एक रीजनल पार्टी को वो सिंबल मिला है तो ऐसा नहीं है कि वो सिंबल किसी और को न मिले. डेफिनेटली वो सिंबल किसी और स्टेट में किसी और पार्टी को भी असाइन किया जा सकता है. सो हम बात करते हैं एक्सटेंट की. एक्सटेंट पढ़ा हमने, स्टेटस पढ़ा एंड सिंबल पढ़ा. हम सभी जानते हैं हमारे यहाँ पे जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारे लोग जाते हैं जो स्पेसिफिक किसी पार्टी के मेंबर्स होते हैं या फिर फॉलोअर्स होते हैं. सो वो जब भी आते हैं आप देखते हैं उनके हाथ में फ्लैग होता है, उनके पास पैम्पलेट्स होती हैं, या फिर वो लोग उस स्पेसिफिक पार्टी की कैप्स को पहनते हैं, या फिर कुछ दुपट्टा या फिर कुछ भी इस तरह का होता है जो वहां पे उस पार्टी को रिफ्लेक्ट करता है. सो वी जस्ट असेस कि विच वन पर्सन कैन बिलोंग फ्रॉम दी विच वन पार्टीज. नेक्स्ट वन, अब आता है पॉलिटिकल पार्टी तो बन जाती है, अब आते हैं चैलेंजेस कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को. बिकॉज अगर हम बात करें हमारे घर की, जो भी एल्डर पर्सन होते हैं वो हमारे घर को चलाते हैं या फिर जो उनकी पॉलिसीज होती है उसके अकॉर्डिंग वर्क होता है हमारे घर के अंदर. सेम थिंग इन द पॉलिटिकल पार्टीज, जो लीडर्स होते हैं, दोज हु आर द लीडर्स, दोज हु आर द सुपीरियर पर्सन इन द पार्टी, दे विल मेक अ पॉलिसी फॉर द स्पेसिफिक कंट्री एंड फॉर द स्पेसिफिक पार्टी. फर्स्ट वन चैलेंज, द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी. सबसे बेसिक जो चैलेंज आता है, इंटरनल क्लैशेज होते हैं. बिकॉज क्या होता है, बहुत सारे लोग बहुत सालों तक काम करते हैं लेकिन उन्हें फिर भी हायर अथॉरिटी, हायर पोस्ट नहीं मिलती है. सो वो लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. तो सबसे बड़ा रीजन है इंटरनल क्लैशेज. सेकेंड चैलेंज इज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन. केवल होता है कोई पार्टी किसी अगर स्पेसिफिक रीजन वर्क कर रही है और वो बार बार जीतती है तो या फिर बार बार हार रही है, दोनों सिचुएशंस होती हैं. तो कहीं ना कहीं सेकंड चैलेंज उनको ये आता है कि हमें अपनी पार्टी का वर्क कैसे करना है, पार्टी की पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए जिसके बिहाफ पे पॉलिसी अप्रोप्रिएट वर्क जो कर रही है वो लोगों के सामने प्रेजेंट हो. थर्ड वन इज, द थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टी स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस. उसके बाद सभी जानते हैं जब इलेक्शन टाइम आता है, बाय हुक और बाय क्रूक द
the person can win the election. That means केवल अगर हम बात करें कि लोग कैसे जीतते हैं, एक्चुअली हमारी पर्सनालिटी होती है, हमारा जेस्चर होता है या फिर हमारे प्रीवियस वर्क होते हैं जिसके बिहाफ पे आपको जो लोग हैं जो इंडियन मेंबर्स हैं वो आपको वोट करते हैं. लेकिन उसके अलावा लोग हर तरह के ट्रिक्स को यूज करते हैं, दैट इज मैन प्रैक्टिसेस लाइक मसल पावर, लोगों को डरा धमका के जितवाना, लोगों पर प्रेशर डालना या फिर लोगों को मनी सप्लाई करना. ये सारी चीजें जनरली इलेक्शन में होती है एंड बिहाफ ऑफ दिस वन सिचुएशंस पार्टी की इमेज क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है. द फोर्थ चैलेंज इज दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स. दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट पार्टीज. फोर्थ चैलेंज सबसे कॉमन चैलेंज है. बेसिकली जो वोटर्स होते हैं ना, किसे वोट करते हैं? कोई वोट करता है स्पेसिफिक पार्टी को और कोई वोट करता है स्पेसिफिक पर्सन को अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस वर्क. जैसा किसी पार्टी का स्टेटस है, प्रीवियस स्टेटस है, या जैसा किसी पर्सन का प्रीवियस स्टेटस है, उसी के अकॉर्डिंग वोट किए जाते हैं. तो हम कह सकते हैं बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे क्लैशेस होते हैं जो ड्यूरिंग द इलेक्शन लोगों के सामने आते हैं एंड पार्टीज के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है उन चैलेंजेस को ओवरकम करना. सो स्टूडेंट्स, हमने दो स्लाइड्स में देखा या जो हमने जो आज रीड आउट किया है कि चैलेंजेस क्या होते हैं एंड डिफरेंसेस क्या होते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन. इफ यू लाइक माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब.